चतरा से खबर जहां पांच बच्चे एक साथ नदी में डूब गए, जिनमें से दो बच्चों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया लेकिन तीन बच्चों की तलाश अभी भी जारी है। ये पांचों बच्चे मां भद्रकाली मंदिर में शिवलिंग पर जलार्पण करने के लिए एक खोरी पहुंचे थे। पांचों बच्चे स्नान के दौरान उत्तरवाहिनी नदी में डूब गए। इटखोरी पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से तीन बच्चों को रेस्क्यू करने का काम अभी भी जारी है। हालांकि बच्चों के डूबे तीन घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसे में परिजनों को बड़ी अनहोनी की चिंता सताने लगी है। जो बच्चे डूब रहे थे उन जो बच्चे हैं उनके साथ बात किया गया तो लोग बोले दो बच्चे खो गए हैं यहाँ पर, लेकिन परिजनों का कहना है कि पांच बजे बच्चे नहीं मिल रहे हैं। पहले वेरीफाई करने बोले कि अपने अपने बच्चे कहाँ हैं, एग्जैक्ट संख्या का पता। खबर धनबाद से जहां आईआईटी आईएसएम कैंपस में छात्रों के दो गुटों में झड़प के बाद पूरा कैंपस रण क्षेत्र में तब्दील नजर आया। अंबर हॉस्टल में सेकेंड और थर्ड ईयर के छात्र आपस में भिड़ गए, झड़प में तीन छात्र घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर दलबल के साथ डीएसपी, विधि व्यवस्था और सदर एसडीओ पहुंचे। जानकारी के अनुसार सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच किसी मामले को लेकर कहासुनी हो गई। घटना में दर्जनों छात्र घायल हुए हैं। बच्चों को अंदर करा दिया गया, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है क्या एग्जैक्टली क्या इशू है और उसको एड्रेस का। सर इंजर्ड कितने? इंजर्ड एक व्यक्ति है। राज्य से बड़ी खबर आपको दे दें, टाइगर जवान ने यहां पर खुद को गोली मार ली और मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। गोंदा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। मृत जवान का नाम वर्तन तिर्की है। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और घर वालों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, वजह पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है कि आखिर क्यों यह आत्मघाती कदम जवान ने उठाया। टाइगर जवान ने खुद को गोली मार ली है।